वाहे गुरु जी, आप सभी के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का धन्यवाद करती हूँ। आज का प्रश्न जाटव महिंद्रा और शोभा सिंह जी का है। आज के समय में गुरु तो बहुत हैं, परंतु सच्चे गुरु की प्राप्ति कैसे हो? गुरु का महत्व हमारे जीवन में बालकाल से ही शुरू हो जाता है, और अगर गहराई से देखें तो हमारे माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं। वो हमें चलना, बोलना, स्वच्छ रहना ऐसी अनेक शिक्षाएं देते हैं। बच्चा पाठशाला जाता है तो उसके अंधेरे जीवन में ज्ञान की रोशनी उसके गुरु लाते हैं और उसे वह शिक्षा देते हैं जिससे वह बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक या अच्छा इंसान बन सके। जब इंसान बड़ा होता है तो सांसारिक झमेलों में पड़ जाता है। कभी परिवार की चिंता तो कभी व्यापार की चिंता उसे सताने लगती है। वह मोह माया में बंध जाता है। उसे यह डर सताने लगता है कि अगर आज उसे कुछ हो गया तो बच्चों की पढ़ाई, बैंक का लोन, माता पिता की सेवा कौन करेगा। उसका डर उसे बार बार वही सोचने को मजबूर करता है। अब उस व्यक्ति को अपना मन शांत करने के लिए फिर से गुरु की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि जपजी साहिब में गुरुजी भी कहते हैं, ईश्वर को गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि गुरु किसे बनाया जाए, कैसे माने कि दूसरा व्यक्ति गुरु बनाने लायक है या नहीं। जो सवाल आज सभी के मन में है, इस सवाल के जवाब के लिए कार्य श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल से ही शुरू कर दिया था। ईश्वर रहता कहाँ है, वह दिखता कैसा है, यहाँ तक कि उसे कैसे पाया जा सकता है, यह सभी बातें गुरुजी ने गुरबाणी के माध्यम से संसार तक पहुँचाई। परंतु यह काम इतना कम ना था कि मानव के एक जीवन काल में इसे पूर्ण किया जा सके। गुरुजी की अन्य चार परछाइयाँ यानी गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी व गुरु अर्जन देव जी सभी ने मिलकर मानव भलाई के लिए गुरबाणी को लिखा। सिख गुरुओं ने बिना किसी जात पात व धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों के व सभी जातियों के संतों की वाणी गुरबाणी में डाली। चाहे वो संत रविदास हो, संत कबीर हो या शेख फरीद हो, हर संत व सिख गुरुओं की शिक्षाएं सच्चे मोती की तरह थी, और उन मोतियों को माला में पिरोया श्री गुरु अर्जन देव जी ने और उनके पश्चात श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी कलयुग में भाग चुके थे कि अब और कोई मानव गुरु बनने योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले 1708 नांदेड़ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुगद्दी सौंपी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सभी धर्मों के संतों की वाणियां हैं, तो हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अनुसरण ना करके ऐसे गुरुओं का अनुसरण क्यों करें जो सांसारिक मोह माया में लिप्त है। और अगर आप कट्टरवाद में विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो सिर्फ सिखों के लिए हैं, जो कि सत्य नहीं है, तो आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें। परंतु अगर आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और इन महान पुस्तकों को छोड़कर किसी आलिशान एसी पंडाल में हजारों लोगों के बीच में बैठकर किसी ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो मर्सिडीज कार में आया है, आलिशान गद्दी पर बैठकर आपको मोह माया से दूर होने का ज्ञान दे रहा है, तो वह ज्ञान मात्र एक भ्रम होगा। अमृत वेला के महत्व के बारे में बताएं। पहर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, यानी वह समय की एक इकाई है। इस इकाई को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल व बांग्लादेश में बोला जाता है। पूरे दिन को 8 पहर में बांटा जाता है और एक पहर में 3 घंटे होते हैं। रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। रात्रि की पहली पहर शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होती है। दूसरी पहर रात्रि 9 बजे से सुबह 12 बजे तक होती है। तीसरी पहर सुबह 12 बजे से सुबह 3 बजे तक होती है, और चौथी सुबह 3 बजे से 6 बजे तक होती है। सुबह 6 बजे दिन हो जाता है और शाम 6 बजे रात्रि शुरू हो जाती है। गुरु नानक देव जी ने इस विषय पर 3 शब्द लिखे हैं। 2 शब्द रागा श्री में है और 1 शब्द रागा तुखरी में है। गुरु रामदास जी व गुरु अर्जन देव जी ने भी इस विषय पर शब्द लिखे हैं।
दूसरी व तीसरी पहर यानी रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक सोने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। चौथी पहर यानी सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे का समय अमृत वेला कहलाता है। सिख धर्म में अमृत वेला के समय को ईश्वर का सिमरन करने का सबसे उत्तम समय माना गया है। अमृत वेला में ईश्वर को याद करने की सीख श्री गुरु नानक देव जी ने दी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे सिख धर्म का एक अनिवार्य नियम बना दिया। उन्होंने अपने सिखों को कहा, सुबह अमृत वेला के समय उठो और स्नान कर गुरबानी का पाठ करो। इस समय वायुमंडल स्थिर होता है, इसलिए चंचल मन को स्थिर कर उसे ईश्वर से जोड़ने का यह उपयुक्त समय माना जाता है। गुरु नानक देव जी जपजी साहिब में प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मुंह से ऐसा कौन सा वचन बोला जाए जिसे सुनकर परमात्मा मुझसे प्यार करने लगे, और इसका जवाब अगली पंक्ति में देते हुए वह फरमाते हैं, अमृत वेला में उठकर उसके नाम का जप और उसके गुणों का विचार किया जाए। गुरबानी कहती है, इस शरीर रूपी धरती में अमृत वेला में बोया गया नाम रूपी बीज इतना पुष्पित होता है या कहें फलता व फूलता है कि हम उसे जितना मर्जी खाएं और खर्च करें वह कभी खत्म नहीं होता। गुरु अर्जन देव जी तो यहाँ तक कहते हैं, जो कोई अमृत वेला में मेरे घर आकर मेरे साथ प्रभु की बात करता है वह व्यक्ति मेरे मन को भाता है और मैं ऐसे व्यक्ति के चरण धोने के लिए तैयार हूँ। गुरबानी के अनुसार पपीहा जब अमृत वेला में सिमरन करता है तो उसकी पुकार सुनी जाती है। शेख फरीद तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तो अमृत वेला में नहीं उठता तो समझ ले तू जीते जी ही मर गया। अब हम यह भी जानते हैं कि आजकल के समय में अमृत वेला में उठने की इच्छा शक्ति हर इंसान में नहीं होती, तो कोशिश करें गुरु जी की सिखाई शिक्षाओं में से किसी एक का तो अनुसरण करें। जैसे कि पहली शिक्षा, अपनी कमाई ईमानदारी की रखो। दूसरी शिक्षा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पुण्य के कामों में लगाएं। तीसरी शिक्षा, अमृत वेला में उठो। चौथी, गुरबानी को हमेशा याद रखो। और पांचवी शिक्षा, मानव सेवा अपने मन से करो। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना व भाई बाला को गुरु गद्दी क्यों नहीं दी? जो हमने थोड़ी बहुत गुरुजी के बारे में सूचना प्राप्त करने की कोशिश की है उसमें हमने यह पाया कि गुरुजी हमेशा कहते थे, अगर आप ईश्वर पाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह विश्वास करो कि वह है। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। गुरु अंगद जी को गद्दी सौंपने से पहले श्री गुरु नानक देव जी ने सभी की परीक्षाएं ली, चाहे वो भाई लहना हो, चाहे भाई बाला, चाहे भाई मर्दाना, चाहे फिर उनके अपने पुत्र। बाबा श्रीचंद की ईश्वर को पाने की राह गुरुजी से विपरीत थी। बाकी सभी गुरुजी की परीक्षा में वो स्थान ना पा पाए जो भाई लहना ने पाया। इसी वजह से गुरु नानक देव जी ने भाई लहना से कहा, तुम मेरे अंग हो, और उन्हें गुरु अंगद का नाम दिया और उसके पश्चात उन्हें ज्योति जोत के माध्यम से अपनी गद्दी सौंप दी। चौथा प्रश्न, श्रीमान गुरी बोपा राय जो कि पंजाब अमृतसर से हैं, उन्होंने पूछा है, क्या गुरुजी अपने शरीर को अपने साथ ही ले गए थे? अगर अंत में संस्कार हुआ तो कहाँ हुआ? कहा जाता है जब गुरुजी अपने जीवन के अंतिम समय में थे उस समय हिंदुओं और मुसलमानों में यह वाद विवाद चल रहा था कि उनके मृत शरीर पर किसका हक होगा। जब यह बात गुरुजी को पता चली तो उन्होंने सभी पक्षों के लोगों को वहां बुलाया और उन्हें बताया, शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अमर है। इस बात का महत्व नहीं है कि कौन मेरे शरीर को अंतिम संस्कार करेगा, अथवा इस बात का महत्व है कि मेरे अंदर जो आत्मा रूपी ज्योत है वह कहाँ जाएगी। उन्होंने बताया, जो व्यक्ति मेरे पश्चात गुरु गद्दी पर बैठेगा यह ज्योत उसमें समा जाएगी। यह माना जाता है कि वह ज्योत श्री गुरु नानक देव जी के पश्चात सभी गुरुओं के माध्यम से उनके उत्तराधिकारियों को मिली और अंत में गुरु ग्रंथ साहिब में हमेशा के लिए समा गई।